गुप्ता की मौत के मामले में आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की पूरी कोशिश की, यानी कानपुर पुलिस ये चाहती थी और इस कोशिश में थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को मनीष गुप्ता के परिवार वालों से मिलने से रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अखिलेश यादव घर जाकर उन लोगों से मुलाकात किए। अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद कहा है कि योगी राज में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए, दोषी पुलिस कर्मियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यूपी में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी इस परिवार की पूरी तरह से मदद करेगी, इन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और आर्थिक मदद के रूप में हम अभी 20 लाख रुपए का ऐलान करते हैं इन्हें देने का। ऐसा समाजवादी पार्टी ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से कमिटमेंट किया है। उन्होंने कहा कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके परिवार का न्याय संबंधी जो आपको दिक्कत आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। अखिलेश यादव परिवार से मिलने जब पहुंचे थे तब की आप तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार के सभी सदस्यों से मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, न्याय दिलाने का भरोसा उन्होंने दिया है। और अभी मीनाक्षी गुप्ता जो कि मनीष गुप्ता की पत्नी है, उन्हें पुलिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने के लिए ले गई है। जो व्यापार वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये DMSP नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के सारे पे। जब DMSP से आप गलत काम कराओगे, जब DMSP से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे। इसीलिए ना SSP सस्पेंड हुए, ना DM सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से FIR ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे CBI जांच हो, क्योंकि परिवार ने CBI जांच मांगी है। इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी है, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, इसलिए उन्हें Class 2 या Class 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और दीपक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। दीपक मिश्रा, मीनाक्षी गुप्ता मीडिया कर्मियों से कुछ कहना चाह रही थी, वो कह रही थी कि आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा, वो किस संदर्भ में ये बात कह रही थी और किससे कह रही थी? जी देखिए, बताना चाहूँगा आपको, मीनाक्षी गुप्ता से जब मीडिया कर्मियों ने बात करने का प्रयास किया था तो वहीं पर जो एक कर्मी था वो जबरन जो है वो उनसे बात करने का प्रयास कर रहा था। इस संबंध में जो है मीनाक्षी गुप्ता ने ये बात कही, लेकिन मीनाक्षी गुप्ता ने बात करने के लिए अभी फिलहाल जो है क्योंकि उनका कहना था कि वो पहले मुख्यमंत्री से मिलने, उसके बाद जो भी बात है वो मीडिया के सामने वो स्पष्ट रूप से रखेंगे, इसलिए जो है उन्होंने फिलहाल जो है मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था। जी राहुल, क्या अभी पुलिस उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए गई है? जी राहुल, देखिए अब से करीब 20 से 25 मिनट पहले जो है वो कानपुर के जो आला अधिकारी हैं वो पीड़ित मीनाक्षी गुप्ता को जो है वो मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए लेकर के उनके निवास से निकल चुके हैं और
संभवतः जो है वो अभी जानकारी मिली है कि वो वहां पर पहुंच भी गए हैं जहां पर मुख्यमंत्री का आना तय का कार्यक्रम है। तो 2 बजे का जो है वो तय कार्यक्रम पहले से ही था कि 2 बजे जो है वो मीनाक्षी गुप्ता को जो है वो मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। और अब देखिए सबकी निगाहें जो है वो वहीं पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो मांगे हैं वो जो है किस प्रकार से मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही है और उस पर जो है मुख्यमंत्री जी जो है वो क्या जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ उनके परिवार वाले भी गए हैं। जी देखिए बताना चाहूंगा, मीनाक्षी गुप्ता थी और उनके जो बहन थी वो थी और शायद एक परिवार वाला और जो है वो करीब 3 से 4 लोग जो है वो परिवार के बताए जा रहे हैं जिनको जो कानपुर के आला अधिकारी हैं वो लेकर के गए हुए हैं। लेकिन जो न्याय की बात दिया है, 20 लाख की आर्थिक सहायता दिया है और जो है हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। लेकिन जो मीनाक्षी गुप्ता है उन्होंने अभी मीडिया कर्मियों से बात नहीं किया है और अभी खुलकर के जो है कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि जब वो मुख्यमंत्री से मिल लेंगी उसके बाद ही जो है वो सामने आकर के अपनी बात रखेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हमारे संवाददाता दीपक ये जानकारी दे रहे थे कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है वहां पर मनीष गुप्ता की पत्नी को, मनीष गुप्ता की बहन को और उनके परिवार के एक सदस्य को लेकर कानपुर पुलिस वहां पहुंच गई है और अब से थोड़ी देर में ही मनीष गुप्ता की पत्नी, बहन और उनके परिवार के एक सदस्य की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होनी है। बहरहाल उसके पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से, उनकी माताजी से, मनीष गुप्ता की पत्नी से, मनीष गुप्ता की बहन से वो मिले भी। उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की, चूंकि इनके यहाँ गम का माहौल है, परिवार के एक सदस्य को इन लोगों ने खोया है तो स्वाभाविक है इन्हें कहीं बुलाने के बजाय इनके घर ही जाके मिला जाए और इन्हें ढांढस बंधाई जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे। यूपी के कानपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड में सियासत तेज हो गई है, जहां पर परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से पहले तमाम सपा नेता मौके पर जुट गए और नारेबाजी होने लगी। भीड़ बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने मनीष की पत्नी को घर के अंदर बंद भी कर दिया और परिवार घर की छत पर चढ़ गया और कहा कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मनीष की पत्नी को बाहर निकाला। मनीष गुप्ता हत्याकांड में सियासत तेज हो गई है, परिवार से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव से पहले तमाम सपा नेता मौके पर जुट गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नारेबाजी होने लगी, भीड़ बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने मनीष की पत्नी को घर के अंदर ही बंद कर दिया, जिसके बाद परिवार छत पर चढ़ गया। परिवार ने कहा कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है, मनीष की पत्नी को बाहर निकाला गया। मैं बात ही कर रही थी, मैं बात कर रही थी जब रूम में पुलिस आई है तो मैं कॉल पे थी और उन्होंने मुझसे बताया, मैंने आपको बताया ना 10 मिनट का टाइम मांगा था, तब पुलिस थी। फिर उन्होंने मदद के लिए दुर्गेश को फ़ोन किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है, उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था सोची समझी साजिश है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था जान मूझ के मारा है। साजिश का मतलब जो मैं समझ पाती हूँ वो ये होता है पहले से कुछ सोच समझ के करना, जान मूझ के मारने का मतलब ये होता है अब मुझे जान मूझ के मारना।
और अवनीश दीक्षित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवनीश दीक्षित, क्या मीनाक्षी गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात के लिए वहां पर पहुंच गए जहां पर सीएम को आना है? देखिए, सीएम ने अपने जो अधिकारी कानपुर के, वो कहा इनको हेलीपैड पर लाकर इनसे परिवार से मुलाकात करा दिया। कुछ देर पहले ही फिर परिवार यहाँ रवाना हो चुका, हेलीपैड पहुंच चुका है। जैसे सीएम योगी का हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड करेगा पुलिस लाइन में, वहीं पे वो दो मिनट फिर परिवार से बात करेंगे, उसके बाद जनसभा स्थल डीएवी ग्राउंड पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अवनीश दीक्षित। और सवाल यही है कि परिवार को आखिरकार न्याय कब मिलेगा? सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में निर्देश दिए हैं, अपराध में लिप्त पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जाएंगे, दागी लोगों की पुलिस में कोई जगह नहीं है, ऐसा सीएम ने कहा है। टीम 9 की बैठक में दागी इंस्पेक्टर और